दोस्तों अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी शादी की फनी वीडियोस वायरल होती रहती हैं, जिसे देखकर हमें काफी हंसी आती है और कभी कभार तो गुस्सा भी आता है। लेकिन आज हम आपको शादी की कुछ ऐसी ही फनी वीडियोस दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे, न जाने कहां कहां से आते हैं ऐसे नमूने जो इस अनोखे अवसर पर भी अपना तमाशा बना देते हैं। अपना तो अपना, दूसरों को भी अपने इस तमाशे में शामिल करने से पीछे नहीं हटते। तो चलिए आज की हमारी इस हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाली वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस अनोखी शादी से, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि दूल्हे की साली कितने गुस्से में है और उसके गुस्से से पता चल रहा है कि वो इस बात से नाराज है कि एक ढंग का दूल्हा भी नहीं लाया गया घर वालों से, क्योंकि दूल्हे को आप देख सकते हैं कि ये साली साहिबा उन्हें कितना ज्यादा पाउडर लगा रही है। वो इस बात से इतनी ज्यादा गुस्सा है कि मेरी दीदी के लिए कोई हैंडसम सा दूल्हा होना चाहिए था, लेकिन इस कलुए को अब जब ले ही आए हैं तो इसे पाउडर लगा लगा कर ही गोरा किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे सनो की शादी के बारे में? जैसा कि अभी आपने हमारी इस वीडियो में साली की फ्रस्ट्रेशन को देखा, अब हमारी अगली वीडियो में आप देखिए, जहां एक तरफ साली दूल्हे को पाउडर लगाकर गोरा कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हैंडसम दूल्हे की भी अपनी ही डिमांड है। या उनकी साली अपने हैंडसम जीजू को देखते ही उनसे न जाने क्या क्या शर्तें मनवाई जा रही हैं। आप भी सुन लीजिए। नोनी को हमेशा खुश रखोगे। और तो और वो इतने क्लोजनेस से अपने जीजा जी से बात करती हुई नजर आ रही हैं कि बेचारे जीजा जी को भी कुछ कुछ होने लगा होगा। लेकिन इन सालियों को कौन समझाए। नोनी को हर चीज लेके दूंगा, नोनी को सारी चीजें मिलेंगी, सारे बैग्स इस दुनिया के लेके दूंगा, सारे बैग्स। लेकिन ये सालियां जितनी नासमझी वाली बातें करती हुई नजर आ रही हैं, वहीं यहाँ पर इन जीजा जी ने तो हद ही कर दी। जरा आप ही सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। छत के ऊपर तो ताली, अगला चंद सुनाओ जब पप्पी दे साली। तो दोस्तों सुना आपने कि इन्होंने क्या कहा। ये शायद ये भूल गए कि ये शादी करने आए हैं और शादी करने के बाद जब घर जाएंगे तो इन्हें सिर्फ डंडे ही खाने पड़ेंगे। खैर यहाँ ये जनाब तो कुछ फ्लोर में ज्यादा दूर निकल गए, लेकिन इनकी साली भी कुछ कम नहीं थी। देखिए पप्पी झप्पी के नाम पर कितनी ज्यादा खुश होती हुई नजर आ रही है, जैसे पाकिस्तान से इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। ये सब तो ठीक था, लेकिन अब आप हमारी इस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें दुल्हन ऐश्वर्या राय है, तो बेचारा दूल्हा साउथ इंडियन मूवी का विलेन। लेकिन वो इस वीडियो से इतना ज्यादा खुश हो रहा है कि वो सोच रहा होगा कि आज से पहले कभी मुझे इतनी खुशी नहीं हुई होगी, क्योंकि उसकी खुशी का अंदाजा आप उसके चेहरे को देखकर लगा सकते हैं। लेकिन लड़की बेचारी तो सिर्फ अपनी वीडियो बना रही है, क्योंकि वो दुल्हन जो बनी है, और लड़कियां जब तक अपनी सुंदरता चार लोगों तक न दिखा दें, उनका मेकअप और सजने संवरने का पर्पस पूरा नहीं होता, क्यों है ना। इस दुल्हन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, जिनके डांस से तो बेचारा दूल्हा भी शर्मा रहा है, और शर्माने तक तो ठीक है, लेकिन इस दुल्हन ने तो दूल्हे के हाथ को न जाने क्या समझ लिया है, उसे घुमाई जा रही है। आप भी देखिए भैया, सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा। न जाने ये दुल्हन क्या करवा के मानेगी। बेचारा दूल्हा भी सोच रहा होगा कि बेबी मरवा के मानेगी। आप इस वीडियो पर भी गौर फरमाइए। इस वीडियो को देखकर आपको लग रहा होगा कि भला इसमें क्या लॉजिक है, ये जनाब तो नागिन डांस कर रहे हैं। अभी तो आपने वीडियो देखी है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो देखा इस वीडियो में क्या लॉजिक था, मजा तो आया होगा। अब इन चचा को भी देखिए। इन चचा को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इन चचा के अंदर तो साक्षात नाग देवता समा गए हो। वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। भले ही चचा अब अंतिम पड़ाव पर चल रहे हो, पर अभी भी इनकी इच्छा जवान है। अरे आपने तो सिर्फ एक ही जनाब को नोटिस किया होगा, लेकिन शायद आप इन चचा को भूल गए, जो रुमाल का बीन लेकर इतने बेहतरीन तरीके से नागिन डांस करवा रहे हैं कि दोनों के तालमेल को देखकर तो जय और वीरू की दोस्ती याद आ गई। लेकिन कुछ भी कहो, इन दोनों ही चचा के साथ बुढ़ापे ने इनके ऊपर दस्तक देकर अन्याय कर दिया। लेकिन जो भी हो, अन्याय इन मोहतरमा के साथ भी हुआ है। देखिए किस तरह से अपनी कमर को नागिन की तरह लहराती नजर आ रही है। लेकिन ये क्या, इन्होंने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। कमर वमर तो नहीं टूट गई मोहतरमा की। अब तक तो आपने सबके बारे में सुन लिया, लेकिन शायद आंटियों की बारी नहीं आई। अरे भैया ये देखें, इन आंटी ने तो सबको पीछे छोड़ दिया। इनका नागिन डांस देखकर तो पास खड़ी ये मोहतरमा भी शर्मा गई हैं।
लेकिन कुछ भी कहो, इन आंटी का ये नागिन डांस देखकर तो हमारे अंदर का राजपाल यादव जाग गया। अरे भैया घबराइए नहीं। जो वीडियो क्लिप हमने आपको दिखाया है उसमें ये जनाब पूरी तरह दिलो दिमाग से ठीक है, इन्हें कुछ नहीं हुआ। बस ये नहा रहे थे और इनके गली मोहल्ले से ये बैंड बाजा वाले गुजर गए। फिर क्या था, इनके साथ ऐसा हुआ। ये इनका पागलपन नहीं है, ये इनके अंदर की जवानी है जो इस तरह उभर उभर कर आई है। डरिए मत। अरे इन्हें भी खुशकी के दौरे नहीं पड़ रहे, ये दीदी भी ठीक है, बस ये काफी समय बाद अपने घर से निकली है और इन्हें इस तरह के दौरे पड़ रहे हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी कोई रस्म होती है तो आपके दिमाग में यही आता होगा, अगर काश हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म होती तो बीवी के साथ साथ साली भी फ्री में आती। देखिए इन्होंने तो जॉन की रफ्तार को भी पीछे छोड़ दिया। क्या पटखनी दी है, लाजवाब, मान गए। नो 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 नो। अरे भैया ऐसे कोई दौरे वारे नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि इसका पैर सो गया है। इसकी बीवी भी सोच रही होगी कि अभी इसके ये हाल हैं तो आगे जाकर न जाने इसका क्या होगा, भगवान बचाए। भारत में कोई शादी हो और उसमें बाराती दारू पीकर ना नाचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके बिना तो हमारे भारत की शादियां अधूरी मानी जाती हैं। अब आप व्हाइट शर्ट पहने इस लड़के का डांस ही देख लीजिए। इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसको बरसों से बांध कर रखा हुआ था और आज ही ये आजाद हुआ है। वाकई दुनिया में इतना अनोखा डांस आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस व्हाइट शर्ट वाले बंदे को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है ये अंकल, जो पूरे बैंड बाजे के सामने अकेले डांस कर रहे हैं। अंकल के डांस मूव्स तो ऐसे हैं कि इन्हें देखकर प्रभु देवा भी शर्मा जाए। लेकिन शादियों में डांस की वाहवाही सिर्फ बाराती ही नहीं लूटते, बल्कि कुछ दूल्हे भी बारातियों को पूरी टक्कर देते हैं। जैसे इस दूल्हे को ही देख लीजिए, किस तरह अपनी ही बारात में लटकों झटकों के साथ डांस कर रहा है। अब डांस तक तो चलो फिर भी ठीक था, लेकिन चेहरे से इतने गंदे एक्सप्रेशन देने की भला क्या जरूरत थी। इसकी बीवी ने जब अपने पति की इस हरकत को देखा होगा तो यकीनन उसको शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। अपनी शादियों में अक्सर दूल्हे जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और इसी उत्साह में कई बार तो अपनी दुल्हन को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की को सही तरह से उठाना हर एक के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि इस काम में ताकत के साथ ही शरीर का बैलेंस मजबूत होना भी जरूरी होता है। अब आप इस कपल को ही देख लीजिए जिनकी अभी अभी शादी हुई है और ये दूल्हा अपनी दुल्हन को बाहों में उठाए पूरे मैरिज हॉल के चक्कर लगा रहा है। अब उठाने तक तो ठीक था, लेकिन ये जनाब तो अपनी बीवी को बाहों में लिए ही म्यूजिक पर भी रखने लगे। शुरू में तो सब ठीक था और लोग भी तालियां बजा रहे थे, लेकिन फिर अचानक से वही हुआ जिसका डर था। दूल्हे ने अपना बैलेंस खो दिया और अपनी नई नवेली दुल्हन को सबके सामने जमीन पर पटक दिया। अपने पति के हीरो बनने के चक्कर में बेचारी दुल्हन को चोट भी लगी और सबके सामने शर्मिंदा भी होना पड़ा। हीरो से जीरो बनने की सबसे अच्छी मिसाल भला और क्या होगी। दोस्तों ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी कि इंसान को जोश में होश नहीं खोना चाहिए और खास तौर से अपनी शादी के दिन तो अपने जोश पर काबू ही रखना चाहिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन स्टेज पर खड़े हुए हैं और नीचे से लोग उनके फोटो खींच रहे हैं, लेकिन अचानक ही दूल्हे को न जाने क्या सूझता है और वो दुल्हन के पीछे जाकर उसको उठाने की कोशिश करने लगता है। दुल्हन को पहले ही पता चल गया था कि आज उसका पति सबके सामने उसकी बेइज्जती जरूर करवाएगा। शायद उसको अपने पति की ताकत का पहले से ही अंदाजा था, लिए उसने अपना चेहरा अपने हाथ से ढक लिया। दूल्हे ने कई बार कोशिश की, लेकिन उठाना तो दूर, वो अपनी दुल्हन को जमीन से हिला भी नहीं पाया। अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि अब तो भाई की मर्दानगी पर बात आ गई थी। इसीलिए दूल्हे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार दुल्हन को उठा ही लिया, लेकिन बेचारा उसको एक सेकंड भी उठाकर नहीं रख पाया और धड़ाम से पीछे जा गिरा। हमने पहले ही कहा था कि इंसान को जोश में होश नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इसका नतीजा यही होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।